हमास के हमलों के जवाब में इसराइल ने गाजा पट्टी में उनके 17 मिलिट्री कंपाउंड और 4 मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पर हमले का दावा किया है। इसमें अब तक 200 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है जबकि 1600 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 1000 से ज्यादा फिलिस्तीनी इसराइल में घुस चुके हैं, वही 1948 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। वहीं हमास की तरफ से दागे गए 5000 रॉकेट से अब तक 100 इसराइलियों की मौत हो चुकी है जबकि 750 लोग घायल हैं। गाजा स्ट्रीप से हमले के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जंग का ऐलान कर दिया था। इसराइल में बिगड़ते हालातों के बीच इंडियन एम्बेसी ने वहां मौजूद अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर उन्हें सतर्क और सुरक्षित रहने को कहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुश्किल घड़ी में भारत इसराइल के लोगों के साथ खड़ा है। हमास ने दावा किया कि उन्होंने कई लोगों समेत इसराइली जनरल निमरोद अलोनी को बंधक बना लिया है। बंधकों की संख्या इतनी ज्यादा है कि इनके दम पर वो इसराइल की जेल में बंद सभी फिलिस्तीनियों को छुड़वा सकते हैं। साथ ही हाल में हुए रॉकेट हमले के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि पीएम और रक्षा मंत्री उच्च स्तरीय मीटिंग कर रहे हैं। देश के सभी नागरिकों को अलर्ट कर दिया गया है, सभी को घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम तक।